हेलो दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप डी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। पार्ट पैनल टू, जी हाँ, दूसरा पैनल आ चुका है। आइए हम बात कर लेते हैं किसका ये डिवीज़न का पैनल आया है। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं क्या दिया गया है यहाँ पर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का ये है सेकेंड पैनल, यहाँ पर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए डेट देख ली 11/4/2023, अभी जस्ट अभी रिलीज़ हुआ है यहाँ पर। आइए हम इसमें क्या दिया गया है इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। ये PDF है पूरा, ये देखिए भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के, उसमें ये दिया गया है कि टोटल प्रोविजनल पैनल मतलब अंडर जारी कर दिया गया है। यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंटों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन विथ नाम अलॉटेड कौन सी पोस्ट दी गई है और डिवीज़न अलॉटमेंट कर दिया गया। ये यहाँ पर इसलिए जल्दी कर दिया गया है क्योंकि रोज़गार मेला 13 तारीख को, और उसमें ये दिखा सकेंगे हमने इतने सारे लोगों को यहाँ मतलब हमने जॉइनिंग लेटर दे चुके हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट है 3043 यहाँ पर टोटल, यहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट को ऑफर लेटर जारी कर दिया है। तो यहाँ पर बाकी जोन से रिलेटेड ये मतलब जानकारी है कि रोज़गार मेले से पहले भी आपका यहाँ पर पैनल जारी किया जा सकता है, और मतलब उनको काउंटिंग दिखानी पड़ जाएगी कि यहाँ पर हमने इतने लोगों को जॉइनिंग के ऑफ़र कर दिया है। तो आप भी जल्दी से साइट देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कर दीजिए कि इनका पार्ट पैनल टू आ चुका है। और यार मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले ही से ही तैयार करके रखने हैं तो उसके रिलेटेड है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।